हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी आ रखी है वो आ रखी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे पोजिशन के बारे में। तो आपको यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग का पोजिशन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर मेरे भाई किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बात की जाए, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका सिलेक्शन डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं होने वाला। साथ ही साथ यहाँ पे ये फॉर्म आपका फ्री का रहेगा, तो एक रुपया भी आपको यहाँ पे नहीं करना। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगा, आपका सैलरी क्या रहेगा, सीटीसी क्या रहेगा, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट रहेगा 700 प्लस का। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तुमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। एक चीज का ख्याल रखिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बताइएगा, कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा किया है, बीबीटेक किया है, कौन से ट्रेड के अंदर आईटी किया है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशरों की एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। इवन मैंने सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑफिशियली पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे जो कि बीना के अंदर रिफाइनरी है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, उसी की तरफ से यहाँ पे बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो जॉब लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश बीना का जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहेगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, डिप्लोमा बीबीटेक और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है जिसमें आपको बताया जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करना है और इंडस्ट्री कैसे रन करती है। साथ ही साथ बीपीसीएल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो स्टाइपेंड रहता है वो बहुत ही अच्छा खासा स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, सबसे पहले हम डिप्लोमा की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, सीरियल नंबर बता रखा है, डिपार्टमेंट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको एक साल का रहेगा मैंने आपको बताया, स्टाइपेंड क्या रहेगा, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। पहली जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो प्रोसेस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया केमिकल के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 25 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर, तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, ध्यान रखिएगा डिप्लोमा आपका फुल टाइम होना चाहिए, अगर आपने डिस्टेंस से कर रखा आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल में किया आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल के अंदर आप इसको एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अगर आपने डिप्लोमा किया इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया सिविल के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई
कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 52 यहां पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी पूरे 12 महीने की रहेगी, साथ ही साथ पूरे 12 महीने तक आपको 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री वालों के लिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन किया, सीरियल नंबर बता रखा है, डिपार्टमेंट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी, स्टाइपेंड क्या रहेगा, उसके बारे में बता दिया है। तो पहला जो डिपार्टमेंट रहेगा फायर एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने BBTech किया है फायर एंड सेफ्टी के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड रहेगा वो आपका 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। पूरे 12 महीने तक आपको 25,000 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें अगर आपने BSc कर रखा है केमिस्ट्री के अंदर या फिर इसके इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि केमिस्ट्री आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए BSc के अंदर, तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर आपका स्टाइपेंड रहेगा 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पूरे 12 महीने तक आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी HR फाइनेंस और कमर्शियल के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपने BCom कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा और BPCL बहुत ही जानी मानी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 60% का क्राइटेरिया रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे डिग्री के अंदर 60% का होना चाहिए और डिप्लोमा के अंदर भी आपका 60% क्राइटेरिया होना चाहिए। वहीं बात की जाए यहाँ पे कि अगर आप SST कैंडिडेट हैं या फिर PWD कैंडिडेट है तो आपके 50% है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc वालों के लिए भी मेंशन किया है, BCom वालों के लिए भी मेंशन किया है और यहाँ पे सेम एज इट इज आपका यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि 60% का क्राइटेरिया रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए और 50% का क्राइटेरिया रखा गया है SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। अब बात की जाए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो जो आपका एज लिमिट रखा गया है वो आपका रखा गया है 18 साल से लेके 27 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका एज काउंट होगा 1 जनवरी 2023 तक आपका यहाँ पे एज काउंट होगा जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। वहीं अगर आप यहाँ पे कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल तक का देखने को मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट के अंदर अगर आप जनरल के अंदर आता है तो 10 साल का, OBC के अंदर आता है तो 13 साल का और SC ST कैंडिडेट आता है तो आपको 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका पूरे 1 साल तक आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। पहले कभी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। देन फिर आपका यहाँ पे मेरिट बेस भी चेक किया जाएगा, लाइक आपके जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मार्क्स आए हैं लाइक डिप्लोमा BBTech डिग्री के अंदर, उसी के बेस पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, MP से बिलोंग करते हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किया है मध्य प्रदेश से किसी भी कॉलेज से तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको MHRD नेक्स्ट पोर्टल पे जाके यहाँ पे इनरोल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे उसी के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अप्लाई वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से वीडियो इसका बना दूंगा। साथ ही साथ बात कीजिए यहाँ पे पूरे स्टेप्स को बता रखा है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 28 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है और जो इसका लास्ट डेट रहेगा 6 फरवरी 2023 से इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको नेट्स पोर्टल पे अप्लाई करना है। साथ ही साथ जो यहाँ पे BPCL का जो यहाँ पे वेबसाइट है ऑफिशियली वेबसाइट उस पर आपको अप्लाई करने का 8 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इनके HR डिपार्टमेंट का नंबर भी दे रखा है और इनकी मेल आईडी भी दे रखी है, आप इनको यहाँ पे कोई क्वेरी है तो इनको मैसेज कर पाएंगे, मेल कर पाएंगे, कॉल भी कर पाएंगे। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।